नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज में आज का हमारा पहला टॉपिक है राज्यपाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला टॉपिक क्या है हमारा? राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 153। जैसे कि राष्ट्रपति का कहां पर है? 52 में। तो 52 में जब हम 101 और ऐड कर देते हैं तो 153, तो राज्यपाल का वर्णन है 153 में। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के नॉट इंडिया के, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री धर्मवीर। कितने महीने का कार्यकाल था इनका? 10 महीने का। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल हैं श्री धर्मवीर और इनका कार्यकाल रहा 10 महीने का। और सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? तो वो है श्री बी एन चंद्रचूड। श्री बी एन चंद्रचूड कब से कब तक? 1967 से 1976 तक। तो क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा के वे राज्यपाल, उन राज्यपाल का नाम बताओ जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो वो है श्री बी एन चंद्रचूड और कब से कब तक रहा? 1967 से 1976 तक। ओके, नाउ हरियाणा के जो प्रेजेंट में है जो हमारे राज्यपाल, वर्तमान जो हमारे राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और किस नंबर के हैं वो? वो हैं 18th नंबर के, 18वें राज्यपाल हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? 153 में है। तो उसी तरह राष्ट्रपति का किस में है? 52 में। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन? श्री धर्मवीर। कार्यकाल 10 महीने तक। सबसे लंबा कार्यकाल श्री बी एन चंद्रचूड, 1967 से 1976 तक। और वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और ये किस नंबर के हैं? 18th नंबर के हैं। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पर समाप्त हुए। इसके बाद हम लेते हैं हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हरियाणा का कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या रही? प्रोसेस से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन निकलेंगे हमारे, कि मास्टर हुकम सिंह की सिफारिश पर। क्वेश्चन बनेगा कि किसकी सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया? तो मास्टर हुकम सिंह की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मास्टर हुकम सिंह की सिफारिश पर। और किसके प्रयासों से किया गया? ये एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर था कि किसकी सिफारिश पर किया गया, तो मास्टर हुकम सिंह की सिफारिश पर किया गया। और किसके प्रयासों से किया गया? वो है देवीलाल के प्रयासों से किया गया। देवीलाल जी के प्रयासों से किया गया और मास्टर हुकम सिंह की सिफारिश पर किया गया। और आयोग कौन सा था? आयोग था जेसी शाह आयोग। किस आयोग? तो क्वेश्चन बनेगा कि किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा का गठन किया गया? तो जे सी शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 18 सितंबर 1966 को। ये रिपोर्ट कब दी गई? ये रिपोर्ट दी गई 18 सितंबर 1966 को। और पंजाब पुनर्गठन बिल पारित किया गया 18 सितंबर 1966 को। पंजाब पुनर्गठन बिल पारित करके लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश की गई। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया इसे? सातवीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? सातवीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा राज्य के गठन का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो वो है सातवीं अनुसूची से संबंधित है। और हरियाणा राज्य कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना। हरियाणा राज्य कौन सा राज्य बना? 17th नंबर का ये राज्य बना। ठीक है, इसके बाद है 18वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो किस संशोधन के तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ? वो है 18वें संविधान संशोधन के तहत। और कितना हिस्सा दिया गया हरियाणा को? 35.18% हिस्सा। तो सातवीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा गया, 17वें राज्य के रूप में जोड़ा गया, 18वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 35.18% इसको हिस्सा दिया गया। और ये हरियाणा कौन सा राज्य बना? एक उत्तर पश्चिम राज्य बन गया। ओके, नाउ ये हरियाणा से रिलेटेड जो डिफेक्ट थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब लेते हैं हम पंचायतें।
तो पंचायत क्या होती है? पंचायत होती है पांच लोगों का समूह, पांच लोगों का समूह। लेकिन जो इसका अध्यक्ष होता है उसके लिए प्रत्यक्ष मतदान होता है। पंचायतें क्या होती है? पांच लोगों का समूह होती है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है, जिसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो पंचायत का जो अध्यक्ष है उसके लिए मतदान किस तरह से होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो होता है प्रत्यक्ष मतदान। और प्रत्यक्ष मतदान में मतदाताओं की न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी, तो न्यूनतम संख्या क्या है? 500। ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है कि प्रत्यक्ष मतदान में अध्यक्ष के लिए जो प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है तो उसमें मतदाताओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। ये कंपलसरी है। ओके, अब है 73 जो संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। तो पंचायतों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ये किस सूची का विषय है? जैसे हमारी तीन सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन बनेगा कि पंचायत किस सूची का विषय है? तो पंचायत है राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। और इसे कौन सी, इसे ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वो है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। और किस भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। और इसमें विषय कितने हैं? विषय हैं 29। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत इस पंचायतों को जोड़ा गया? पंचायतों को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। और ये किस सूची के अंडर आता है? ये आता है राज्य सूची के अंडर। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया और विषय है इसमें 29। और पूरे भारत में पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पर, हरियाणा की नहीं। पूरे भारत में पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और ये पहली बार कब मनाया गया? 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार इसको मनाया था, पंचायती दिवस को। पूरे भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पहली बार पंचायती दिवस मनाया था। हरियाणा में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हरियाणा में कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ये हरियाणा में 1994 को लागू हुआ। किसके तो क्वेश्चन बनेगा कि जब हरियाणा में 1994 को पंचायती दिवस मनाया गया या पंचायती दिवस लागू हुआ तो किसकी सरकार थी? तो सरकार थी भजन लाल जी की सरकार थी। ठीक है, तो पंचायत क्या है? पंचायत पांच लोगों का समूह है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष होता है उसके लिए प्रत्यक्ष मतदान होता है। और प्रत्यक्ष मतदान में जो मतदाताओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500, जो कि कंपलसरी है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत। किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9, विषय 29। पूरे भारत में पंचायती दिवस 24 अप्रैल को, हरियाणा में 22 अप्रैल को। हरियाणा में किसके प्रयासों से, यानी कि किसकी सरकार थी उस टाइम पे? तो थी सरकार भजन लाल जी की सरकार थी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नगर निगम। तो नगर निगम के लिए जो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3 लाख। ये भी कंपलसरी है कि नगर निगम किसको माना जाएगा? जिसमें न्यूनतम 3 लाख जनसंख्या होगी। तो वर्तमान में कुल निगम कितने हैं? ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो वो है टोटल 11। मानेसर, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत। ये जो हमारे जो 11 नगर निगम हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नगर निगम है, कौन सा नगर निगम नहीं है। तो क्वेश्चन सेट कर देते हैं, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा नगर निगम नहीं है या कौन सा नगर निगम है। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हमारी ट्रिक क्या है कि मेरी मान हिसार वाली GF के पैप के 11 रुपीस दे दे। मेरी मान हिसार वाली GF के पैप के 11 रुपीस दे दे। तो मान से मानेसर, हिसार से हिसार, और जी से गुड़गांव, एफ फरीदाबाद, के से बताइए करनाल, और वाई से यमुनानगर, और पी से पानीपत, ए से अंबाला,
और पी से पंचकुला और 11 तो 11 मंडल है, ये 11 निगम है ही, और आर से हमारा रोहतक और एस से सोनीपत। मेरी मान हिसार वाली GFK KYK PAP पैप के 11 रुपीस दे दे। मेरी मान हिसार वाली GFK के पैप के 11 रुपीस दे दे। तो मान से मानेसर, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, पानीपत, रोहतक और सोनीपत। तो ये हमारे हो गए 11 नगर निगम। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। आपको सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है, इसमें से आप क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। अब चलते हैं कि ये जो किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो हमने पीछे कराया था कि जो पंचायतें हैं वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन नगर निगम किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, यानी कि किस अनुसूची में इसे डाला गया, इसे डाला गया 12वीं अनुसूची में। पंचायतों को किस अनुसूची में डाला गया था, पंचायतों को डाला गया था 11वीं अनुसूची में। और भाग क्या है, भाग है भाग 9 क, वहां पे क्या भाग था, भाग 9 था और यहां पर है भाग 9 क। और कितने विषय हैं, 18 विषय। पंचायतों में कितने विषय थे, पंचायतों में थे 29 विषय, 29 विषय थे। और फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ये किस सूची का विषय है, तो ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो क्वेश्चन बनेगा कि नगर निगम किस सूची के अंडर आता है, तो नगर निगम आता है राज्य सूची के अंडर। इस संविधान संशोधन ने शहरी निकायों को 3 भागों में बांट दिया था। इस संविधान संशोधन ने शहरी निकायों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में बांटा, कौन कौन से भागों में बांटा, तो वो है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर। तो नगर पालिकाओं की संख्या कितनी थी, नगर पालिकाओं की संख्या थी 59 और वर्तमान में कितनी है नगर पालिकाओं की संख्या, 62। तो क्वेश्चन बनेगा कि जब ये नगर पालिकाएं गठित की गई तो उस टाइम पर कितनी थी, तो उस टाइम पर थी 59 और वर्तमान में अगर नगर पालिका पूछे तो वर्तमान में है नगर पालिकाएं 62। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि नगर पालिका के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो वो होनी चाहिए 50,000 तो। और नगर परिषद जो है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 22। और इसके लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50,000 से 3,00,000 तक की। ठीक है, इसके बाद है जो नगर निगम, जो कि हमने ऊपर किए, नगर निगम की संख्या कितनी है टोटल, वो है 11। और क्वेश्चन पूछे कि जो नवीनतम जो नगर निगम है वो कौन सा है, वो है मानेसर। और ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 23 दिसंबर 2020 को। कब बनाया गया, 23 दिसंबर 2020 को। तो ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि नगर निगम जो है वो नवीनतम नगर निगम कौन सा है, वो है मानेसर। और कब बनाया गया, वो बनाया गया 23 दिसंबर 2020 को। ये कौन सा नगर निगम था, ये था 11वां नगर निगम। और इसके लिए जो मिनिमम जो जनसंख्या है, जो मिनिमम पॉपुलेशन है, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3,00,000 से ऊपर। कितनी होनी चाहिए, 3,00,000 से ऊपर। तो चलिए यहीं पर विराम देते हैं हम आज की अपनी क्लास को, और मिलते हैं अगली क्लास में और नए टॉपिक्स के साथ। ऐसी ही और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय।